नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हिंदी पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो का जो है आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमें भी कुछ अच्छा लगेगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। IAS स्टडी ट्रैक YouTube चैनल, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट में। और वहीं सेल्फ स्टडी क्लासेस बेस्ट सुमित जैन YouTube चैनल, जिसमें कि बहुत जो है अच्छे अच्छे वीडियो जो है ट्रिकी माध्यम से उपलब्ध हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना विलंब के। दोस्तों तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होता है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, इसमें इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या ये सभी। तो ये चार विकल्प जो है हमारे सामने मौजूद है, चार में से इसका उत्तर हमको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जो है इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर एक का। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था क्या था। चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, चार में से एक का उत्तर हमें बताना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था तो वो था किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो पद्धति है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है फ्रॉवेल साहब का। अगला क्वेश्चन है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारियां माँ के ऊपर होनी चाहिए, स्त्रियां ही शिशु की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चार विकल्प में से एक का उत्तर हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा दोस्तों कि शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही होनी चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। तो चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। पहला है रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो ये चार विकल्प में से एक का हमें चयन करना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, वर्तमान काल में ये समाज के लिए लाभप्रद होगी। तो ये विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है। जी हाँ दोस्तों, तो पर्यावरण शिक्षा क्यों देनी चाहिए, क्या अभिप्राय है इससे। तो छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके और छात्रों का मनोरंजन हो। तो ये चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, चार में से एक का उत्तर हमें बताना है, एक उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, पर्यावरण शिक्षा का मेन अभिप्राय मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि के, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। तो ये चार में से गिलफोर्ड साहब ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो चार विकल्प में से हमें एक का चयन करना है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सृजनात्मकता। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया तो वो सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। कि रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती, और रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो चार विकल्प में से हमें बताना है कि सत्य नहीं है, ये चीज हमें बताना है। तो सत्य नहीं है तो वो नहीं है विकल्प नंबर बी, जो है रुचियां व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती, ये विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक सामान 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या होना। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतित की अनुभूति। तो ये चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, चार में से एक उत्तर हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर बी, समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। जी हाँ दोस्तों,
सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में या स्वतंत्र अध्ययन में, तो चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। चार में से एक का चयन हमें करना है और बहुत ही कठिन होता है दोस्तों, ये पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कठिन होता है कि हमें खुद पता नहीं होता कि हम सही उत्तर कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, अभ्यास से जो है अच्छी आती है, आपको अच्छे अगर इसमें टैलेंटेड बनना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, स्वतंत्र अध्ययन में असंगठित घर से आने वाले बच्चे को कठिनाई का अनुभव होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, तो चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर जो है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट, वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार या फिर घर पर? तो सबसे अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है तो वो किया जा सके विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, इसका उत्तर हो जाएगा। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है? तो चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, चार में से एक का उत्तर हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, अनुशासन के संबंध में ये विकल्प सही हो जाएगा। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो देश की दिशा बदलने में चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं तो ये उत्तर हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल, शिक्षकों की रचनात्मक कार्यों की, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की जो है दिशा, अब देश की दिशा बदलने में भूमिका होती है रचनात्मक कार्यों की, कौन के, शिक्षकों के। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है, वह है उसकी कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता या ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अध्ययनशीलता, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है तो वो है अध्ययनशीलता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से कोई नहीं? तो ये चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, चार में से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या अनुकरण करने की अवस्था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो वो नहीं है साहब खेलने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हो जाती हैं, विशेषताओं की बात हो रही है यहाँ पर। और नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या ईमानदारी? तो किसी विद्यार्थी की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो हो जाती है दोस्तों आज्ञाकारिता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, संवेदन, प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको है, पावलोव को, पियाजे, स्किनर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पियाजे साहब को इसका जो है श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आधार अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है, कुसमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना या ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? तो ये चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, चार में से इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी विकल्प जो हैं सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, चार में से एक का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यकताओं को। परिवार एक साधन है, काय का साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है तो वो है अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ये चीज किसने कही है? चार विकल्प हमारे सामने मौजूद है, चार में से इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रैंड साहब ने ये कहा है कि शिशु खेल के माध्यम से अधिकांश बातें सीखता है। नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ये चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं और चार में से एक विकल्प का हमें चयन करना है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अक्षमता के अनुरूप, अगर व्यक्ति के या बच्चे के अंदर अक्षमता है उसके अनुरूप आप शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे तो ये समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही बेहतर तरीका होगा। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, नकल करके पास होने की सुविधा हो या समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। तो इसमें से आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है कि छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, उसी ऐसे विद्यालय में हम जो है एडमिशन करवाएंगे, प्रवेश करवाएंगे अपने बच्चे का। नेक्स्ट है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, सौ अध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, या फिर उत्तर ए और बी इनमें से दोनों हो जाएंगे? क्या होगा ये चीज आपको बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, विकसित की जा सकती है और सौ अध्ययन से भी बढ़ती है, ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? जी हाँ दोस्तों, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम? अभिभावक एवं अध्यापक, वंशक्रम एवं वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव का जो विकास होता है वो वंशक्रम एवं वातावरण का जो है योगदान होता है। एक तो वंशक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव, तो दोनों का योगदान माना जाता है। नेक्स्ट, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या ये सभी? तो खिलौनों की आयु कहा जाता है तो वो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, या फिर बाल्यावस्था? तो इसका चार में से एक उत्तर हमें बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो चार में से एक का हमें चयन करना है, तो बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है तो वो की है पियाजे साहब ने। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो चार में से एक विकल्प का हमें चयन करना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विद्वान ने सीखने के पांच चरण बताए हैं? फ्रॉवेल, प्लेटो, हार्वर्ड, या कमिनियस? तो ये चार जो चरण बताए हैं किस विद्वान ने ये बताए हैं, तो इसमें से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बर्ट महोदय ने सीखने के पांच चरण बताए हैं। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, या प्रशंसा द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को जो है प्रेरित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो ये चार में से एक का हमें चयन करना है, तो इसका उत्तर हो जाए दोस्तों सामाजिक संचरण
बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या अधिगम को सरल बनाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा विधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए हैं, चार में से एक का हमें चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि मानी जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया विचार है तो वो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमें संबंध नहीं है वो चीज़ बतानी है, तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है इसका। नेक्स्ट है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर या आपके उचित शब्द प्रयोग से? तो ये चार विकल्प में से जो हो जाएगा प्रभावी संप्रेषण की यहाँ बात की रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रोता के स्तर को जानकर जो है अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए या फिर ये सभी? तो ये चार में से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा दोस्तों ये सभी विकल्प सही होंगे, कि आपके विचार में चिंतन शक्ति की अगर विकसित करना है तो इस सभी छात्रों को समस्या समाधान विधि, स्व अध्ययन विधि और खोज विधि से जो है पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास या फिर ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय तथा कला की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, रुचियों की भिन्नता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, चार में से हमें एक का चयन करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण जो है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तरीका माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित हमने लगभग 21 प्रश्न और उत्तर के बारे में जाना और हमने आज वो सीखा कि कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे इन प्रश्नों को हम अपने मानसिक स्थिति के अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर उसका अध्ययन किया। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये चीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं और आपने कितने उत्तर इसमें सही लगाए हैं वो चीज़ भी हमें बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसके लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे CTET एग्जाम हो चाहे TET से संबंधित जो भी पेपर होते हैं उनमें पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें अधिकांश क्वेश्चन जो है हम सोचते हैं कि हमने सही किया है लेकिन उसका आंसर गलत हो जाता है और इसमें सबसे कम नंबर आते हैं। तो दोस्तों इसका अभ्यास से, प्रैक्टिस से इसका जो है हम इस विषय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और वीडियो को शेयर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी कर दिया होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। जय हिंद।